धन्यवाद हंसिका। अब दूसरी कक्षा से हमारे नन्हे मुन्ने दीक्षा, अनगा और ऋत्विक कविता बोलने आ रहे हैं। मेरे नाम अनगा सुकृति है, मेरा नाम दीक्षा है, मैं हिंदी दिवस में कविता बोल रही ही। सागर में मिलती दारा है, हिंदी सबकी संगम है, शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है, पूरा पश्चिम कमल का कुरी सेतु बनाती हिंदी है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पे जितने लोग भी उपस्थित हैं हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हिंदी दिवस सिर्फ आज मनाने से हिंदी का महत्व नहीं होता। एक भारतीय होने के नाते हमें अपनी भाषा को अपनाना चाहिए। भाषाएं तो बहुत हैं, हर एक भाषाओं का अपना एक महत्व है, अपनी एक सहजता है, सरलता है और उनमें एक अनोखापन है। कभी कभी मुझे इस बात पे बहुत अफसोस होता है जब मैं लोगों को देखती हूँ कि वो हिंदी में बात करने से कतराते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम हिंदी बोल रहे हैं तो हमारा कोई औचित्य नहीं, हमारा कोई स्तर नहीं। इस बात पे मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी, जरा गौर से सुनिएगा। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब देश में हिंदी का बोलबाला था, एक वक्त था जब हिंदी में देश का बोलबाला था, माँ की आवाज से ही सुबह का उजाला था, माँ की आवाज से ही सुबह का उजाला था, माँ पिता माता अम्मी अब्बू की जगह आज हम मॉम और पिता को डैड बुलाते हैं, क्योंकि हम हिंदी से शर्माते हैं, क्योंकि हम हिंदी से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया, हिंदी पीछे रह गई, इस भाषा से अब हम नजर चुराते हैं, क्योंकि हम हिंदी से शर्माते हैं, क्योंकि हम हिंदी से शर्माते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया में कराती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया में कराती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सराखों पर उठाएं, आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं, आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। इस कार्यक्रम का अंत करने से पहले मैं शत शत धन्यवाद उन व्यक्तियों को देना चाहूंगी जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य में मेरा योगदान दिया। हमारे हिंदी विभाग के सभी शिक्षकगण, कला विभाग के पवन सर और श्रीनिवास सर और DTP मेंबर्स, सभी को मैं शत शत नमन करना चाहूंगी जिन्होंने अपना सहयोग देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। धन्यवाद।